कंधे खून की पैदाश है तू, चली रेखवा को गीता रामायण का पाठ पढ़ाने, और तू हमरे बिटुआ की रखेल, यही सत्य है। क्या बोले? करना चाहती है कर ले, बाकी ई घर के बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसा दोबारा किया तो ठीक नहीं पड़ेगा। जो भी ई घर में रहेगा उनको यहां के बड़े ठाकुर की इज्जत करनी ही होगी। हमको रोकेगी? तू होती कौन है हमको रोकने वाली? इस घर के मालिक ठाकुर लोहा सिंह के ज्येष्ठ सुपुत्र ठाकुर रणविजय सिंह की ब्याहता धर्म पत्नी इनके आप जानती हैं? का? आप हमारी सबसे प्यारी मरीज हैं। सच, जिंदगी में पहली बार हमारे मन में ये पाप आया है कि हमारी ये सबसे प्यारी सी मरीज कभी ठीक ना हो। अरे ऐसे का देख रही हो? सही तो कह रहे हैं, अगर पिछला सब कुछ याद आ गया और हमें भूल गई तो, हमें छोड़कर चली गई तो। छोड़िए सर, चल के खाना खा लीजिए। हाँ अच्छा हुआ याद दिलाया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी करना है, नया पेशेंट है। आज ही आया, खाना खाएंगे ना? शामली, हम आपके लिए लाए हैं, बड़े मन से लाया था। बहुत अच्छा है। अरे सुमन, चलिए तो अब दोनों भी जने जल्दी से बोलो पनीर पनीर। पापा हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप शाहरुख खान हैं और माँ काजल। क्या करें, हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि नहीं? पापा अगर आप सच्ची शाहरुख खान हैं तो ई कंगन ज्यादा देर माँ की हाथ में पकड़ाइए मत, पहनाइए अपनी हाथों से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को। देखो क्या हुआ पापा, पहनाइए ना। अरे बक बदमाश, ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने पहनाएंगे। चलो जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है। तो आप ही खाइए खाना, हम तो चले सोने। ये सुमन बहुत बदमाश हो गई है। सुमन आप सुनिए, क्या आप आपको हम का कुछ कुछ नहीं, चलिए खाना खाते हैं।
पहले इतना खा चुके हूं, लेकिन पर आपके हाथ का बना हुआ हलवा तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर खाइए। वाह, वैसे भूख आपको भी लगी होगी। खा लीजिए। अभी नहीं, आप खाना खत्म कर लीजिए, हम बाद में खाएं। आप औरतें भी, आप लोगों को समझना भगवान को समझने से भी ज्यादा मुश्किल है। कहे? अच्छे खासे इंसान को देवता बना दे। वैसे और भी कुछ कह सकते हैं? ओका? आपके हाथ का खाना मैं बहुत अच्छा, नहीं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता। सच? वो सब नहीं पता हमको। बाकी हाँ, आपके लिए अच्छा खाना बनाने का कोशिश जरूर करते हैं। अरे माँ, इतनी रात हो गई, हमें लगा आप सो गई होंगी। हम तो उस दिन चैन से सोएंगे जिस दिन ये घर के लोग ये घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाएंगे। क्यों बाहू, ठीक कह रहे ना? क्यों बहू, व्रत हो गया? भूखी रह ली? स्वादिष्ट खाना बनाने से पत्नी धर्म पूरा नहीं होता है, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माँ जाने दीजिए ना, अगर श्यामली को तीज का व्रत रखने का मन था तो उसमें बुरा क्या है? मन हुआ तो रख लिया है बहू। हमारे बेटे ने तो का इस घर में सहारा दिया, उसने तो का मान सम्मान दिया, तो का ठकुराइन का दर्जा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तू बता इसकी खातिर क्या किया? बस कीजिए ना माँ, ये क्या बोले जा रही है? जो कह रहे सही कह रहे। पति पत्नी का रिश्ता तब जाना जाता है जब इस आंगन में दो चार बच्चे खेले। इस मुरझाए आंगन में 10 पति पत्नी रख दो तो कुछ होगा क्या? बात करते हैं, दुनिया का कोई सुख दे नहीं सकती पति पत्नी। सच बोला तो बुरा मान गई, धन धन करके चली गई। बस कीजिए ना माँ, ये क्या कर रही हैं आप? श्यामली के सामने हमने आपसे कुछ नहीं कहा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये श्यामली और हमारे आपस का मामला है, हम ही से निपटाएंगे। अरे जब तुम हमारी बात नहीं सुनते हो तो महारानी क्या सुनेगी? माँ, माँ जोरू का गुलाम। शाम
डॉक्टर साहब, हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति। आपका हमारे ऊपर अधिकार और हम वो अधिकार कुछ नहीं दिए हैं आप लोग हमको, हम तो एगो खाली स्लेट की तरह थे जिस पर कुछ जो नहीं लिखा था। ठाकुरायन जी और आप हमको नया नाम दिए, पहचान दिए, हमको स्वीकार की, हमको अधिकार दे घर के ठाकुराई मां पत्नी बहू का अधिकार दे, वो सब अधिकार दे जिस पर हमारा कौन अधिकार, बाकी हम खाते। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम तो आपका अधिकार भी नहीं दिया आपको। मां जी एकदम सही कह रही है, आपका हम पर पूरा अधिकार है और आज हम आपका वो अधिकार स्वीकार करते हैं। आज हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्यामली, हम आपको तब तक अपनी पत्नी रूप में नहीं अपना सकते हैं जब तक आप और हम दोनों आपकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानते, और ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। श्यामली, आपको सच्ची खुशी भी तभी मिल पाएगी, और हम आपकी खुशी तो चाहते हैं। हमको आज भी वो दिन याद है जब कुछ गांव वाले आपको हमारे अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर साहब, ये लड़की नदी में बह के किनारे आ गई थी, देखे तो बहुत ही घाव लगा है, यही के लिए हम आपके पास ले आए। जिंदा है लेकिन हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नर्स, उसमें आने के बाद गांव वाले हमको बताए थे कि कितना मेहनत, कितना लग के बचाए थे आप हम। आप खाली एक डॉक्टर की तरह हमको सांस नहीं दिए, बल्कि हमको एक नया जिंदगी दी, सम्मान दी,
प्रेम दिए अपनी ठाकुराइन होने का, अपनी पत्नी होने का दर्जा दिए। कि मैं लेन देन की बात कहां से आ गई? और अगर लेन देन की बात है तो ऋणी तो हम भी आपके हैं। जी हाँ, कंचन ने हमें बताया था और याद है हमें किस तरह आपने अपनी जान पर खेलकर मीनू को गुंडों से बचाया था। नहीं बोले आज तक बोले डरा का है लोग बहुत पीछे रह गए। का नाम बताया थी तुम अपना? एनी घर है ना रे तुम्हारा? अभी तुम तो पापा के पास तुमको छोड़ दो। इतना बढ़िया मौका पैसा कमाने का, जाने थोड़ी देंगे। अरे भैया इसने तो जेवर ही पहने, बड़े घर की लगती है। बिटिया वापस करने के बहुत पैसा मिलेगा। अरे छोड़ इसको। अरे और नहीं तो तुम्हारे साथी को ना यहीं काट के ढेर लगा देंगे। पास आए ना यहीं काट देंगे, समझा? तो भाग यहां से। हम तेरे हट को आज भी याद है किस तरह कंचन आपको इस घर में ले आई थी और देखते ही देखते इस घर परिवार का हिस्सा बना ली थी। इका कहां से उठा के लाए बहू? बिना जाने कौन जात कुजात है? इकी जिंदगी में क्या हुआ? ये सब जाने बूझे हम इसे घर में नहीं रखेंगे। बस माँ जी, आपने वो सब चीज देखा जो उन इंसान पहली बार मिलने पर कौनो दूसरे में देखता है और जिस पे कौनों का बस नहीं चलता। बाकी इसका मन भी देखे हैं, इसकी अच्छाई भी देखे हैं, इसकी इंसानियत देखे हैं। आप चाहे जो भी कहिए, ये यही रहेगी। कहे कि आज ये नहीं होती तो हम सब रोना पीटना कर रहे होते अपने मीनू के लिए। हमारी किस्मत हमसे जो कुछ भी छीनी थी वो सब कुछ हमको ठाकुराइन जी दे दी। देखो तुमको अपन पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, उससे तुम्हारा सब नाता टूट गया है, तो अब तुम अपन रिश्ता भगवान से जोड़ लो। वो तुम्हारा साथ कब्बो नहीं छोड़ेंगे और सुनो आज से तुम्हारा नाम श्यामली। श्याम की श्यामली, श्याम की बनाई ये दुनिया भले ही तुमको छोड़ दे पर वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। श्यामली मीरा का दूसरा नाम त्याग और बलिदान के लिए प्रचलित है, जानती हैं?